कोलाबा में शॉपिंग करने का मन है और उसके साथ साथ एक शाम में कोलाबा में और कौन कौन से डेस्टिनेशन को आप विजिट कर सकते हैं, तो जहाँ पे आप मजे ले सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के, वहाँ की बोट राइड के, देख सकते हैं ताज होटल, कोलाबा सोशल का भी एक मजा आप ले सकते हैं और साथ ही खाने पीने का मजा लीजिए बड़े मियाँ में। आइए देखते हैं हमारे इस वीडियो में। कोलाबा पहुँचने के लिए आप मुंबई लोकल से चर्च गेट या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुँच जाइए। हम चर्च गेट पहुँचे। मुंबई की भव्यता चर्च गेट जैसे स्टेशन से भी हमें पता चलती है। इतना बड़ा स्टेशन, स्टेशन पर आती जाती ट्रेन और उसमें चलती यात्रियों से चहकता हुआ स्टेशन। तो ये पहुंच गई है ट्रेन मुंबई के चर्च गेट स्टेशन पे। ये वेस्टर्न लाइन का पहला स्टेशन है। यहाँ से आप बोरीवली, बांद्रा या विरार तक की ट्रेन पकड़ सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भागते दौड़ते लोग ही बताते हैं कि ट्रेन पकड़ना समय से कितना उनके लिए महत्व रखता है। इस स्टेशन पर सारी सुविधाएं जैसे कि खाना पीना, वॉशरूम, बहुत सारे स्टॉल्स, सब कुछ यहां पर उपलब्ध है। तो चलिए अब स्टेशन से बाहर चलते हैं और पहुंचते हैं कोलाबा। बस या टैक्सी लेकर कोलाबा आप पहुंच सकते हैं। देखिए, इस एरिया में आपको हर तरफ हेरिटेज बिल्डिंग्स ही दिखेंगे जो अपने आप में आर्किटेक्चर की एक मिसाल है। यहाँ से गुजरते हुए हम सबसे पहले पहुंचे जहांगीर म्यूजियम। यहाँ पेंटिंग्स का एग्जीबिशन हमने देखा, यहाँ वीडियोग्राफी करना मना है। इसी के पास में ही शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय है। एक झलक में आपको इसकी दिखाती हूँ। ये बहुत बड़ा म्यूजियम है। इसे घूमने के लिए आपको कम से कम 3 घंटे का वक्त लग सकता है क्योंकि 3 बड़े-बड़े फ्लोर्स पर बहुत सारी देखने लायक चीजें हैं यहाँ पर और उनका जानने लायक इतिहास भी। तो ये है ये भव्य नजारा इस म्यूजियम के अंदर का। आलिशान म्यूजियम है, 3 फ्लोर पे इसे बांटा गया है। हर फ्लोर की एक अलग अलग थीम है। यहाँ पे आप बहुत सारी जानने लायक, देखने लायक चीजें देख सकेंगे, जैसे कि राजा जिसे यूज करते थे वो औजार, उनके गहने, उनके सिक्के और काफी सारी चीजें। और यहाँ पे आप जीव सृष्टि को लेकर भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस पे कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, पर फिलहाल तो हमें एक शाम में कोलाबा में कई सारी जगह पर जाना है। तो यहाँ से निकलकर हम चल पड़े कोलाबा मार्केट। मॉन्टेगर कैफे जो कि काफी फेमस है, यहाँ से हम गुजरे पर यहाँ काफी भीड़ थी तो हम यहाँ कुछ ट्राई नहीं कर पाए। आगे बढ़े और ट्राई किया लियोपोल्ड कैफे। इसकी हिस्ट्री शायद आप जानते ही होंगे। यहाँ पर भी 26/11 को फायरिंग हुई थी और वो गोली के निशान यहाँ पर आप अभी भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने पेस्ट्री ट्राई की जो कि काफी अच्छी थी। और यहीं फुटपाथ के दोनों ओर है बहुत सारी दुकानें, यानी कि कोलाबा मार्केट। यहाँ पर्स, ज्वेलरी, एसेसरी, कपड़े, कपड़ों के ब्रांडेड स्टोर्स भी है यहाँ। और रोड साइड पर आप सेकंड कॉपी या एक्सपोर्ट रिजेक्टेड कपड़े भी यहाँ से खरीद सकते हैं। हर तरीके का सामान आपको मिल जाएगा। कुछ शॉपिंग की हमने यहाँ पर। यहाँ बार्गेन पावर होना बहुत जरूरी है। तो भाई, शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं है। यहाँ पे हर कोई चीज मिल जाएगी। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के कपड़े यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। आपको जरूरत है थोड़ा वक्त बिताने की और अपनी चॉइस के कपड़े या फिर जो भी कुछ आप लेना चाहते हैं उसे चुनने की। यहाँ पे ऑर्नामेंट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कुछ कीचेन्स आप देख सकते हैं। अपने नाम के हिसाब से या आप अपने फर्स्ट लेटर के हिसाब से गिफ्ट लेने के लिए भी यहाँ से कुछ खरीद सकते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया, ज्वेलरी के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारा कलेक्शन मिल जाएगा। आप पसंद करने में कंफ्यूज हो सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। और हाँ, बैग्स के लिए भी एक बहुत अच्छी जगह है। आपको फिर से याद करा दूं कि यहाँ पे बार्गेन पावर होना बहुत ज़रूरी है, आपको बार्गेन करना होगा। यहाँ पे आपको कुछ एंटीक चीज़ें भी मिल जाएगी। आप अगर अपने घर को सजाना चाहते हैं या कुछ गिफ्ट आर्टिकल लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। क्लचेस, वॉलेट्स, ये सब भी अगर आपकी पसंद है तो ये आपके लिए एक शॉपिंग हेवन ज़रूर बन सकता है। और शॉपिंग करते करते अगर आपको भूख लग जाए तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैकडॉनल्ड का काउंटर भी है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। और अब हम पहुँच गए हैं शूज़ की शॉपिंग करने। यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के शूज़ भी ले सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। कम्फर्ट वेयर भी अगर आपको ख़रीदने हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस कोलाबा मार्केट से आप खरीद सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए लड़कियों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लड़कों के लिए ऑप्शंस कुछ कम हैं। हाँ, अगर आप किताबों में रुचि रखते हैं तो यहाँ पे आपको किताबें भी मिल जाएगी। मैंने अपने लिए यहाँ से कुछ टॉप्स खरीदे। तो शॉपिंग के बाद हम चल पड़े गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ, होटल ताज के रास्ते से होते हुए। यहाँ का माहौल ही आपके अंदर एक रोमांच भर देता है। समुन्दर किनारे पर आलिशान गेटवे ऑफ इंडिया और सामने ताज होटल। तो चलिए अब समुन्दर में बोटिंग करते हैं। तो यहाँ से ही टिकट काउंटर से ₹150 पर हेड की टिकट लेकर आप आधे घंटे की एक बोट राइड कर सकते हैं। हमने भी की, मैंने, मेरे परिवार ने और मेरे दोस्तों के साथ, हम सब ने बोट राइड में बहुत मजे किए। दूर दिखती स्काईलाइन पर आलिशान हाई राइज बिल्डिंग्स, यही तो सब है मुंबई की पहचान। मैं आपको ये भी बता दूं कि गेटवे ऑफ इंडिया से आपको मांडवा यानी कि अलीबाग जाने की फेरीज भी मिलती है, और साथ ही अगर आपको एलिफेंटा जाना है तो वहाँ की फेरी भी यहाँ से मिलती है। पर आज तो हमने समुन्दर के उछलते पानी पर बोट राइड का ही मजा लिया। उसके बाद हम पहुंचे कोलाबा सोशल, मुंबई के यंगस्टर्स की पसंद। हमने भी दोस्तों के साथ यहाँ कुछ वक्त बिताया। तो ये जो माहौल आप देख रहे हैं, ये शाम 7 से 8 बजे का माहौल है।
10 बजे के बाद और खास तौर पर वीकेंड में यहाँ और भी भीड़ होती है। ओवरऑल ये एक अच्छी जगह थी। यहाँ की थीम, यहाँ की सर्विस, म्यूजिक, एम्बियंस सब कुछ अच्छा था। उसके बाद हम चल पड़े डिनर के लिए बड़े मियां। इनके खाने के बारे में मैंने बहुत तारीफ सुनी थी। वैसे नॉनवेज खाने की तारीफ सुनी थी, पर मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने तो वेज खाया जो मुझे ठीक ठाक ही लगा। जगह तो आप जानते ही होंगे, यहाँ पर 2-3 स्टॉल्स है, लोग कार और बाइक लेकर आते हैं और कार में खाते हैं। वैसे एक सिटिंग प्लेस भी बनाई है, पर ये एक फाइन डाइन एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। हाँ, टेस्ट के हिसाब से नॉनवेज लवर्स इसे काफी पसंद करते हैं, तो नॉनवेज लवर्स यहाँ पे खाने की ट्राई जरूर कर सकते हैं। और ये सब करते हुए रात हो चुकी थी और हम निकल गए अपने घर की तरफ कोलाबा को करते हुए बाय बाय। तो ये थी हमारी एक शाम कोलाबा के नाम।